Yo, कैसे आज YouTube? I'm Omkar, back with another video. आज का अपना वीडियो होने वाला है कि कौन से दिन कौन से मसल्स का वर्कआउट करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सवाल रहता है कि जिम में एंटर करने के बाद मंडे को कौन से मसल्स को ट्रेन करें, सैटरडे को कौन से मसल्स को ट्रेन करें, हफ्ते में 6 दिन कौन से मसल्स को ट्रेन करें, तो इसी के बारे में अपना आज का वीडियो होने वाला है। चलिए जिम ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला सवाल आता है वर्कआउट प्लान। वर्कआउट प्लान मतलब क्या कि हफ्ते में 6 डेज आप कौन से दिन कौन से मसल्स का वर्कआउट करने वाले, मंडे को कौन सा करने वाले, ट्यूसडे को कौन सा करने वाले, वेंसडे को कौन सा करने वाले, ऐसे हफ्ते में 6 डेज कौन से मसल्स का वर्कआउट करना चाहिए। तो अपने बॉडी में 7 टाइप्स के मसल्स होते हैं, मतलब शोल्डर के मसल्स, बाइसेप के मसल, ट्राइसेप के मसल्स, फोरआर्म्स के मसल्स, लेग्स के मसल्स, बैक के मसल्स, चेस्ट के मसल्स और एब्डोमेन के मसल्स। अब इन सभी मसल्स को हम अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक मेजर मसल्स और दूसरे माइनर मसल्स। मेजर मसल्स मतलब कि जिन मसल्स को रिकवरी के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि चेस्ट के मसल्स, बैक के मसल्स और लेग के मसल्स, ये आती है अपने मेजर मसल्स। और माइनर मसल्स मतलब छोटे मसल्स कि जो मसल्स 24 आवर्स में रिकवर हो जाते हैं, जैसे कि बाइसेप्स, फोरआर्म्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर के मसल्स। बॉडी बनाते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मसल को ब्रेक करना और उसको रिकवरी के लिए टाइम देना। इसके लिए अगर आप मंडे को चेस्ट का वर्कआउट करते हो, एक मेजर मसल्स का वर्कआउट करते हो, तो उसके अगले दिन आपको एक माइनर मसल्स का वर्कआउट करना चाहिए, जैसे कि ट्राइसेप हो, बाइसेप हो, क्योंकि मेजर मसल्स का वर्कआउट अगर मेजर मसल्स को आपने ब्रेक कर दिया तो उसको रिकवरी के लिए लगने वाले 48 to 72 आवर्स, और उसके अगले दिन अगर आपने माइनर मसल्स को वर्कआउट कर लिया तो उसको लगने वाले 24 आवर्स। ये दोनों मसल्स का रिकवरी हो जाता है अगले दिन, मतलब 48 आवर्स के बाद आपकी मेजर मसल भी रिकवर हो जाती है और माइनर मसल भी रिकवर हो जाती है, तो उसके बाद आपको फिर से एक मेजर मसल्स के लिए जा सकते हैं। उसके अगले दिन फिर से माइनर मसल्स का वर्कआउट करो और उसके अगले दिन फिर से मेजर मसल्स का वर्कआउट करो। ऐसे आपको आपके हिसाब से हफ्ते में 6 डेज वर्कआउट प्लान डिवाइड करके लेना चाहिए और एक दिन कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए। अगर आपको कौन से दिन कौन से मसल्स का वर्कआउट करना चाहिए, इस पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाओ, अपने भाई को सपोर्ट करो और कमेंट भी करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।